हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मारिया और आज जो मैं आप लोगों के साथ अपनी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो लौकी गोश्त की। यहाँ पे मैंने प्याज ले लिया है, एक बड़ा प्याज ले लिया है नॉर्मल साइज़ का और ज़ीरा एक चम्मच के करीब लिया है और ऑयल लिया है एक प्याज के करीब। और यहाँ जो है मेरे पास गोश्त है बकरे का कम अज़ कम आधा किलो के करीब, अदरक है कटी हुई जो मैंने हाफ ले ली थी, लहसुन का पानी है मेरे पास और यहाँ पर है लाल मिर्च जो कि मैं डालूँगी दो चम्मच या आप एक चम्मच डालना, धनिया है पिसा हुआ जो मैं डालूँगी चार चम्मच और हल्दी है जो मैं डालूँगी हाफ चम्मच। यहाँ पे मैंने लौकी ले ली थी तीन से चार नॉर्मल साइज़ की, उनको काट लिया क्यूब की शक्ल में। फ्रेंड्स, यहाँ मेरी प्याज जो है वो ब्राउन हो रही है, जब प्याज ब्राउन हो जाएगी तो मैं इसमें अपना गोश्त ऐड करूँगी। एंड प्याज ब्राउन हो चुकी है और अब मैं अपनी गोश्त जो है पकड़े का वो ऐड करूँगी। हाफ टी स्पून जो है इसमें हल्दी जा रही है, थोड़ा सा लहसुन का पानी, थोड़ी देर के लिए हम 5 मिनट के लिए इसको तेज़ आंच पर इसमें पकाएंगे ताकि स्मेल इसकी चली जाए और फिर हम इसमें बाकी मसाले ऐड करेंगे। आंच आप देखिए लो मीडियम आंच पर उसको पकाएंगे 5 मिनट के। फ्रेंड्स, मेरे 5 मिनट गुजर चुके हैं और अब जो है मैं इसको चलाऊँगी। अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी, लाल मिर्च में डालूँगी कम अज़ कम लाल 2 चम्मच, आप चाहें तो और ज़्यादा डालना है तो मैंने हाफ डाला मैंने क्योंकि गोश्त कम है। और टी स्पून जाएगा हमारा धनिया, थोड़ा सा जाएगा लहसुन का पानी ताकि मसाला भून सके। अब इसको भी मैं 5 मिनट्स के लिए छोड़ दूँगी उसी आंच पे लो मीडियम पर ताकि थोड़ा मसाला भून जाए, फिर इसमें हम और पानी लहसुन का डाल के पकाने के लिए गोश्त गलने के लिए रखेंगे। फ्रेंड्स, 5 मिनट गुजर चुके हैं और आप देख सकते हैं कि ऑयल ऊपर आ गया है और अब मैं इसमें ये अपना लहसुन का जो बाकी पानी वो ऐड करूँगी, थोड़ा सा और इसमें डालूँगी रहता है डाल दूँगी, ये हमें 2 ग्लासेस के करीब होगा पानी। मैं ऊपर से एक्स्ट्रा पानी बहुत कम डालती हूँ, मैं लहसुन का ही ज़्यादातर डाल देती हूँ ताकि इसमें गल भी जाती है चीज़ और करेंगे। फ्रेंड्स, इसकी आँच आप देख लीजिए, इसको लो मीडियम आँच पे मैं 10 मिनट्स के लिए पकाऊंगी, फिर इसमें मैं लौकी ऐड करूँगी जब थोड़ा सा गोश्त भी गल जाएगा इतना। इस पर आप इसको 10 मिनट्स के लिए पकाएँ। फ्रेंड्स, 10 मिनट्स गुजर चुके हैं और अब मैं इसको चलाने लगी हूँ। आप देख सकते हैं पानी भी कुछ कम हो गया है, गोश्त भी गल गया है हल्का हल्का सा और अब मैं इसमें अपनी लौकी मिलाऊँगी। यस फ्रेंड्स, रेडी। और ये अपनी जो मैंने लौकी काट के रखी है मैं लौकी ऐड कर रही हूँ। फ्रेंड्स, पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लौकी भी अपना पानी छोड़ रही है, मैंने उसके पानी में लौकी डाल दी है और अब मैं इसको इसी आंच पे कम से कम 10 मिनट्स दोबारा बनाऊँगी पकाऊँगी, फिर ये गल जाएगी और फिर ये सही रेडी हो जाएगा लौकी गोश्त। फ्रेंड्स, 15 मिनट्स गुजर चुके हैं और अब मैं अपना लौकी गोश्त चेक करने लगी हूँ। ऑलमोस्ट अब ये गोश्त भी गल चुका है और सालन लौकी भी, अब जो है मैं इसको 2 जो है इसके ऊपर मैं हरी मिर्ची डालूँगी साबुत और
थोड़ा सा गरम मसाला छिड़ते हैं। अब इसको जल्दी दफा जोर तेज आने देकर फ्रेंड्स 5 मिनट गुजर चुके हैं और अब मैंने गैस पे देखें वो डाला था अपना गरम मसाला और हरी मिर्च, खुशबू बहुत मज़े की आ रही है। और एक बात मैं और आप लोगों को बता दूँ, शायद मैंने वीडियो में मेंशन नहीं किया कि मैंने सॉल्ट ऐड किया, तो मैंने 1 चम्मच सॉल्ट इसमें ऐड किया है। आप लोग चाहें तो 2 भी डाल सकते हैं, क्योंकि हर एक का अपने टेस्ट का होता है मुताबिक। हमारे घर में नमक कम खाया जाता है तो मैं 1 ही ज़्यादातर डालती हूँ, ज़्यादा नहीं डालती। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरा ये सिंपल सी रेसिपी लौकी गोश के सालन की जो है पसंद आएगी। आप लोग उसको शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और मुझे यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। माय नेम इज़ मारिया, बाय बाय, थैंक यू।